अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिल्कुल बुलवा खत्म। अरे खींचे रही थे, वो देख ना वो छप्पन छुरी बैठी है ना, खींचे रही थी कि लाई मार दी आंखी में, मोबाइल ले ही गया। अच्छा तो खा लेते, अबे लाई खा लेते एक बार बस चेहरा दिख जाए। दूल्हा तो बहुत ही सुंदर है, सुना है मुंबई फिल्मों में काम करता है। भाई जी पर हमने तो इसे कहीं नहीं देखा, ना तो किसी पिक्चर में ना तो किसी सीरियल में। अरे सब जो मुंबई जाते हैं थोड़े ही सलमान खान बनते हैं, कुछ हुआ नहीं तभी तो यहाँ आ गया शादी करने, वरना किसी हीरोइन से नहीं शादी कर लेता। सही बोल रही। यहाँ पर उपस्थित समस्त देवियों और सज्जनों, मैं वर पक्ष का परिचय दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ए दीदी चेहरा ढक ले अच्छे से, दिखाना मत, जीजा जी लड्डू हो रहे। अरे जीजा जी दीदी सुबह शादी करके आपके घर ही जाएंगी। क्या कर रहे हो जीजा? हमारी शादी को सर्कस बना दिया, कभी यूं कभी यूं, एक को काम दिए थे वो हुआ कि नहीं, फोटो खींचे कोई भी। कहा बताएं साले साहब, एक तो ये डेढ़ हाथ का मुंह, ऊपर से वो देखो राइफल धारी सफुरे, कैसे ले फोटो समझ में आ नहीं रहा है। हम कहा करें इसमें, अभी थोड़ी देर में सिंदूर डालना पड़ जाएगा, फिर कहा करेंगे? इससे पहले फड़ाया छामना जरूरी रही। जिसकी फोटो गवाही की लड़की वही है, शायद घूंघट की आड़ में लड़की का हो। कह तो सही रहे हो, कुछ ऐसा हो कि ये पर्दा उठ जाए तो समस्या का समाधान हो। उम्र में रजब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। उम्र में रजब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। और जिसको भी देखो हर कोई यहाँ मेरे में खो गया। तू जरा फूल झड़े क्या कोई मोहल्ला माचिस को गया। हम साइड से झलक देख रहे हैं, भाभी जी बहुत सुंदर है। सुंदरता का कहा करेंगे भाई, खड़े हुए देखो तुम उनको, अभी खड़े होने में पता चला कि नंगे तो क्या, एक हाथ हल्का है तो क्या करेंगे? ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है, आज के टाइम पे जयमान ना करके कौन करता है ऐसे घूंघट में शादी, समझा हमको? बात तो सही है, बात तो सही है, पर तुम टेंशन मत लो, हम है ना कछु करते हैं, ठीक है? यजमान अब आप सिंदूर दान की तैयारी कीजिए। दुल्हा धीरे धीरे चल ससुराल गलियां, दुल्हा धीरे धीरे चल ससुराल गलियां। छोटे भाऊजी कहाँ है बे? फटाक से बुला के करा, हमेशा की लड़की बदलती गई है। जाओ जाओ जल्दी जाओ।
तेरी चढ़ती जवनिया जैसे बिजली की वायर रे, टच करना ना मुझको मैं उस लगती फायर रे। तेरे ही नाम का डीजे बजे मेरे दिल में रे, इसलिए मैं डूबा तेरी आंखों के जल में। मेहमान अब आप जाइए वहां कन्या का मांग दीजिए। चलिए जीजा जी आखिरी रसम है फिर शादी संपन्न। एक मिनट रुक जाइए पंडित जी। ये ब्याह नहीं हो सकता जब तक हम लड़कियां शकल नहीं देख लूंगा। काबा कर रहे हैं दुर्गा जी, और अभी लड़की क्यों देखने की? आप तो सब कुछ देख समझ चुके हैं। सुरेशवा अब लड़कियां चेहरा देखना चाहता हूँ, कौन गलत बात कर रहा हूँ? लेकिन दुर्गा जी ये मर्यादा के खिलाफ है। ज्यादा लारा लपड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया एक बार कि हम लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ तो वही फाइनल है। दिखाता है कि हम लौंडा से लेके जाऊँ यहाँ से? नहीं मैं दिखाऊंगा। मैं लड़की का चेहरा दिखाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। लड़की का चेहरा सिर्फ आप देखेंगे, पूरी बारात नहीं। मंजूर है। आइए लड़का लोग आप पिछाड़ जाइए, सब पिछाड़ जाइए। राम राम। लफंडर जाइए। बेधड़क होके दुल्हीन का मांग में सिंदूर भर दीजिए। पर बाबूजी लड़की वही है ना जिसकी फोटो दिखाए थे? हम नहीं जानता कि फोटो वाली है कि नान फोटो वाली है। अब हम इतना जानता कि लड़कियां सुंदर है। तो हर बक्सा के चाबी है रे ले हो समधी की बाह बाह तेरी मड़ में भक्कू भैला है समधी। छोटे अब छोटे कहाँ भैया? घरों पे आया हो? अरे मुझे कहाँ पता चलेगा कि पल्लू के अंदर कौन है? थोड़ी सी जिंदगी तो हमारी झंड होनी है ना। नहीं हम नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं भैया? दूल्हे राजा मांग भरने का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए ना। अब भैया की किस्मत ही जाने कि ये सिंदूर उसकी मांग में पड़ रहा है जिसकी फोटो घर वाले पसंद किए थे या किसी और की। ए आपकी धर्म पत्नी हुई जन्म जन्म तक सुख दुख में साथ देने वाली।
जीजा जी आपको भी चलना है कोबर में, अब दीदी कहीं भी अकेले नहीं होंगी। काश पितरिया का इहे नावा कोहाबर, इहे नावा कोहाबर, मानी का रचनविया। कोई शेर सुनाइए जीजा जी, ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे आपको यहाँ से। अरे बताइए ठीक है बात भाई, हैं? तनिक भीतर जाने दीजिए, काहे ये चील की दीवार बनी खड़ी है, लांग गए तो। ये आरा जीला है, नीचे से छाट के छोटे कर दिए जाओगे। यही कीजिएगा कि भीतर है। कोबर में तो सिर्फ दूल्हा जाता है, उसके दोस्त नहीं, तो आप सब जाइए यहाँ से। अच्छा जीजा जी, आप तो मुंबई में रहते हैं, तो फिर फिल्मी दुनिया का कौनो फिल्मी गाना ही सुना दीजिए। सुनाते हैं गाना, सुनाते हैं। पहले अपनी दीदी से बोलिए सुनाने के। अरे दीदी आपके घर में जाके गाना सुना देंगी, पहले आप गाना सुनाइए। हमें माफ कर दीजिए, वो आई एम सॉरी, वो लीचर दोस्त है, हमारी गलती नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम समझा के आते हैं उन्हें, अभी समझा के आते हैं। क्या कर रहे हो बे, फोटो खींचे हो ना, दिखाओ हमें जल्दी से। हम बता रहे हैं अगर इन लोगों ने लड़की बदल के कोई कलाकारी की है ना, तो विदाई नहीं होगी आज। अब हम कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे, गलत लड़की लेकर आ जाएंगे। ये देखिए भैया, अबे नाक की फोटो क्या करेंगे हम, नाक की फोटो लियो तुम। भैया जी फोटो तो हम लिए, देखिए क्या खूबसूरत आंखें। आंखें नहीं कान है बे। भैया भैया मिल गई, ये देखिए। अब तुम फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है हमारे पास है, ये देखिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। अरे देख के भैया देख के, ध्यान से लाइए, कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए। हाँ ध्यान से रख दीजिए। बेटा तुम ससुराल पति और परिवार को दिल से अपना लोगे ना, तो वो लोग भी तुम्हें अपना लेंगे। दुल्हन का ससुराल में स्वभाव देखा जाता है, और आज से तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे, वही तुम्हारा अपना घर होगा, उसको अपना समझना और सबको अपना बना लेना। पूर्णिमा ससुराल में तुम्हारी शिक्षा के बारे में कोई पूछे तो कह देना हिंदी से MA पास। संधि जी को हमने यही बताया है, जो कहा है उसे याद रखने के लिए बोलो इसे, हिंदी से MA पास। नागिन डांस कराता रात भर। तो भैया भाभी तो हिंदी से MA पास है, क्या बोलूं? अब तो और कविताएं फूट फूट कर बहेंगी आपके अंदर से। तो खूब गाइएगा। चलिए चलकर देख लीजिए उसका चेहरा जिसके मांग में सिंदूर डाले, वरना दीदी को विदा करा के घर लेके गए और पता चला कि घूंघट में निकले कोई और। कोई बात नहीं भैया, आप ऐसा कीजिए जाइए, किसी बहाने ना थोड़ा परिचय हो जाएगा, है ना? और मैं तो कहूंगा लगे हाथ ना दो चार कविताएं सुना दीजिएगा, तो वो भी रोमांटिक। चलिए ना जीजा जी, काहे इतना धीरज से काम लेते। अरे भाई चलो, अरे चलिए ना जीजा जी, क्या कर रहे हैं। अरे अरे कहां, क्या दरवाजा बंद कर दीजिए। Thank you.
अब आप रो कर रही, किसी ने कुछ कहा क्या आपको? हमसे कुछ गलती हुई? पानी चाहिए आपको? पानी दे हम आपको। क्या हुआ है, आप रो कर रही? ससुराल में तुम्हारी शिक्षा के बारे में कोई पूछे तो कह देना हिंदी से एमए पास। लगता है हम आ गए, आपका घूंघट उठा दिया इसलिए आप बुरा मान गए ना। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दिया। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रश्मि, वो आपकी बीवी रो रही है, हमारी बीवी रो रही है, आपकी दीदी रो रही है। वो हम कुछ किए भी नहीं, हम कसम खा के हम कुछ कहा नहीं, कुछ चुप कराइए उन्होंने। हमें पता नहीं क्यों रो रही है। मैं देखती हूं। दीदी, अरे दीदी, काहे रो रही हो? नहीं रोती हूँ। देखा दीदी, जीजा जी कितने कोमल हृदय के हैं, आपको रोता देख कितना घबरा गए। इससे ये समझ आता है कि वो आपका कितना ख्याल रखेंगे। अब रोते नहीं, चुप हो जाइए। इतना पीऊंगा जब तक बोतल। अरे कब से इंतजार कर रहा, एक लीटर वहां जा रहे, हटा, कल विदाई का तैयारी शुरू किया जाए। सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और वो अच्छे हैं तो उनके घर वाले भी अच्छे होंगे। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद, पहली बार समधी बना है ना, तेरा बुचिया हमारा बुचिया, जा वचन देता। अरे दारोगा घर में है, दारोगा हूँ, अब बहुत महफूस रहेगा। ए, बदकुचन बाद में करना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कभी भी बराती दुल्हन को लेके यहाँ आती होगी, अब 40 ठो काम पड़ा हुआ यहाँ पे। अरे प्रणाम, बैठे ना आप लोग, बैठे तब तक। मगर हुआ ये कर रहे, कचरा का पूरा ढेर यहाँ लगा दिया मुंह पर, जल्दी से हटाओ यहाँ से, कन्या कभी भी आती होगी। वो कोना में रखना हुआ जाके। अम्मा ये भी तैयार है। बाप रे बबलिया, फूल लाने में इतना देरी कर दी तो सुहा का सेज कब सजाएगी तू? अरे अम्मा, बारात आने के पहले सजा देंगे ना, काय इतना गुस्सा कर रही हो? और अम्मा आप ना अपनी भाषा सुधार लो, बहू ना पढ़ी लिखी आ रही है, वो आपका ये सब रेते नहीं सुनेगी। अच्छा पढ़ी लिखी आ रही है तो का घर को जरा के पुस्तकालय बना देंगी? अरे बबलिया, भौजाई अभी आई नहीं कि भौजाई का तरफदारी लेना शुरू कर दी। जाओ जल्दी जाके सुहाग का सेज सजाओ। ठीक है। ईद देखो महारानी को। अरे तैयार होने में कितना देर लगाती है, ब्याह हो गया अभी तक सुधार नहीं हुआ इसमें। अरे अम्मा तुम हमको ई बताओ कि हम लग कैसे रहे? लग तो बहुत सुंदर रही हो। बाकी दोनों बहन जाओ, जाके सुहाग का सेज सजाओ, कभी भी भौजाई तुम्हारी पहुँचती होगी। हमारे सामने घूंघट करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे इतने टाइम से आप गाड़ी में बैठी हैं, बाहर आई ना, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लीजिए, वरना वो कहते हैं ना झुनझुनी हो जाएगी, वो पैर सुन हो जाएगा। आइए बाहर। नहीं नहीं, हम ये ठीक है। एक बात कहें आपसे। जी। बड़ी सुंदर आवाज है आपकी। और आप अपनी आवाज से भी सुंदर। हम सच बता रहे हैं, पिछले जन्म में हम कुछ तो अच्छा काम किए होंगे जो इतना लक्ष्य। हम भी एक तो बात कहें आपसे। हाँ कहिए ना। वो हमारी सहेली सब कह रही थी ना कि आप भी बहुत ही सुंदर हैं। क्या बात कर रही है, सच में
अरे तो आप अंदर क्यों बैठे? बाहर आइए ना, बातें करते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। अरे वो इतना लंबा सफर है और आप तब से गाड़ी में बैठे हैं, वो होगा ना वो बाथरूम वगैरह जाना होगा तो वहाँ 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 पे जा रही है, मैंने देखा है, वो वहाँ पे आप जा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पक्का? जी पक्का। तो बिलीव नहीं करेगा, तेरी भाभी ना बहुत क्यूट है यार, मतलब इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन संस्कार और संकोच अभी तक उनमें, यार आज के टाइम पे कौन होता है ऐसा? मैं जानती हूँ तुम्हारी जीजा जी ना बहुत ही अच्छे हैं, हाँ बहुत ख्याल रखते हैं, तुम एक बात बताए, तुम तो हमको चिढ़ाओगी। अच्छा चलो बता देते हैं, तुमसे कह रहे थे ना कि अगर तुमको बाथरूम वाथरूम लगा है तो वहाँ झाड़ी के पीछे जाके कर लो। अरे नहीं पगली, हमको लगा है पर हमको कैसे बोले, शर्म आ गया ना तो हम चुप रह गए। मैं नदिया की कल कल छल छल कोयलिया के तान हो, पियर पियर सरसों की साड़ी हरी मस्त सिवान हो, मैं नदिया की कल कल चल चल कोयलिया के तान हो, पियर पियर सरसों की साड़ी हरी और मस्त सिवान हो, दिया हमारे घिरते बादल मेरी शोख नजर के काजल, संग रहूं मैं उगते सूरज की बन लाली माँ, पिया चांदनी रात के चंदा मैं हूँ उनकी पूर्णिमा, पिया चांदनी रात के चंदा मैं हूँ उनकी पूर्णिमा। एमए पास भाभी जी को घर की सबसे छोटी ननद बबली सिंह का सादर प्रणाम। भाभी जी आपका हमारे घर में हार्दिक स्वागत है, आइए भाभी जी। अब तुम और सिद्धार्थ हमेशा साथ रहोगे गुड्डा गुड़िया के जैसे। दूध नहाओ पूतो फल खुश। साले साहब हम ऐसे भीतर नहीं जाने देंगे आपको। अरे भाई जीजा हम कछु नेक वेक तो बनता है कि नहीं है? देते हैं।
अरे रे रे वाह भाई वाह, क्या बात है। अब खुश? अरे खुश का बहुत खुश। अब एक काम करो, अपनी दुल्हनिया को लेकर जाओ। अरे रुको 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 भैया, हमें भी नेक चाहिए। तुम्हें भी? अरे तुम्हारे लिए तो फ्री में हिंदी में मेरे पास टीचर लाए, मन लगा के पढ़ाई करना। ससुराल में तुम्हारी शिक्षा के बारे में कोई पूछे तो कह देना हिंदी से एमए पास। बाबूजी काहे झूठ बोले कि हम हिंदी से एमए पास हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे?